एयर टैंक वाले, इधर आ, इधर आ। What the hell is this? क्या है ये? आपको पिंक एंड गोल्ड एंड रेड एंड गोल्ड में फर्क नजर नहीं आता? You idiot! आपको स्पेशली कहा गया था कि यहाँ एंगेजमेंट की थीम ओनली पिंक एंड गोल्ड होनी चाहिए, मगर आप लोग ना कुछ कहना ही बेकार है आप लोगों से। मेरी अरे इग्नोर इट, कोई शोभा की तो आदत ही है, छोटी छोटी बातों पर पर्टिकुलर रहती है। वो एक रोती बेटी का फंक्शन जो है, बचपन से ही उसके लिए इतने सारे सपने जो देख रखे हैं उसने। होना ही चाहिए संदीप जी, मतलब आजकल के बच्चे हमें कहाँ कुछ करने ही देते। अरे ये देखो आ गए हमारे साहबजादे भी। करण सही कहा मैंने? हाँ बाबा। करण, करण बात तो सुन। अरे बात तो सुन, बात ही नहीं सुनता है। Hi auntie, hi. Hi Karan. Hi. Karan, क्या है ये? इतने सैड क्यों? Smile. बस क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो देखने दो। अरे लोग क्या सोचेंगे? यही कि होने वाले कपल कितने रोमांटिक है और क्या। अरे पर तुम्हारे इस ठंड में भी इतने स्वेटी, इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ क्या बात है, आज मेरा जादू तुम पे बिल्कुल नहीं चल रहा। एंगेजमेंट को लेकर कोई सेकंड थॉट्स तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, इतने सारे लोग हैं, सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस था। और अगर एंगेजमेंट हो ही ना तो? क्या आई मीन आई नीड टू बी श्योर कि मेरा फियांसे मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। अरे इतने सारे लोग हैं, अगर करते हो तो प्रूव इट टू मी। अरे सब लोग इधर खड़े हैं सबके सामने। सोचो कि हमारे ये ऑफिस की छोटी सी आली है जहाँ वाटर कूलर के पीछे तुम उस छोटी सी जगह में कितने नॉटी हो जाते थे। हाँ कैसे गिरी? अरे सांसें चल रही है, कोई कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। करण ये कुछ कह रही है? करण 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 तुझे कहा था सना से एक बार बात कर ले। देख देख क्या कर लिया इसने।
लड़की आई थी मेरे पास, करण के बारे में पूछ रही थी। मैंने इसे इसके दोस्त शाहिद के पास भेज दिया। अब देखो कूद गई यहाँ से नीचे। इन दोनों का पता नहीं क्या सीन चल रहा है। आजकल के लड़के लड़कियों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, सच में पता नहीं क्या कर ले। करण सीधे रखो हाथ अपने, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है। करण ऐसे नहीं, सीधे रखो अपने हाथ। तुम ना एक मिनट भी सीधे खड़े नहीं रह सकते, मुझे बटन लगाने दो। बहुत पास आ रहे हो मैडम, आपके इरादे गलत लग रहे हैं। इरादे तो ना मेरे तभी से नॉटी थे जब से तुझे पहली बार देखा था। अच्छा। पर तुझे देखो ना, अवंतिका से ज्यादा कोई हॉट दिखता ही नहीं। पता नहीं क्या जादू किया है उसने तुझ पे। ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, तू ना इतनी हॉट है, इतनी हॉट है, तेरे ऊपर ऑमलेट फ्राई हो जाएगा, मेरी जलेबी भाई। कौन लाख हाँ? मैं सच में अवंतिका से ज्यादा हॉट। लो देखो कौन आ गया, ये कोई आने का टाइम है, दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड। इतनी लेट? करण वो तुझसे मिलने आई है। क्या बात है, आज शादी हो रही है और लड़कियां मिलना चाह रही है, इसे कहते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। बुलाओ, पेश करो कौन है यह लड़की। करण सना ये तुझसे मिलने। साना यहाँ क्या कर रही? साना यहाँ क्या कर रही है? उसे कैसे पता चला मेरी एंगेजमेंट यहाँ पर है? तुम लोग ने बताया क्या? अरे यार, जब से तूने मना किया है, हमने एक महीने से उसका फोन नहीं उठाया, हम क्यों बताएंगे? करण देख, जो कुछ भी हुआ ना, तू भूल जा। यार वो बहुत टेंशन में लग रही है, एक बार बात तो कर ले। I don't care, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। चली जाऊंगी, बस मेरी एक बार बात सुन लो करण। दो हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। करण, अंकल, आई मीन डैड। करण बेटा तैयार हो गए क्या? हाँ डैड, दो मिनट में आ रहे। जी अंकल, बस दो मिनट। आप जाइए ना। ठीक है, जल्दी आ जाओ। तुम्हारे फोन नहीं उठा रहा हूँ, तुम्हारे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू? Whatever bullshit is going on in your life, it's not my problem. Do you get it? I don't want to know. I don't care. And just get lost. Karan. क्या घूर रही हो तुम? अरे सिर्फ दोस्त थे मेरे, हमारा कोई सीन नहीं था। सिर्फ दोस्त? उस लड़की ने हमारे एंगेजमेंट में, हमारी बुक प्लेस में वो टी शर्ट पहन के जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी, शी ट्राइड टू जंप ऑफ द बिल्डिंग, शी कमिटेड सुसाइड। एंड एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट शी वाज जस्ट योर फ्रेंड? बिलीव मी बेबी, बहुत कैजुअली जानता हूँ मैं उसको, हमारा कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। अरे उस दिन सीन क्रिएट किया था, उसके बाद तो मैंने बात भी करना बंद कर दिया उसके साथ। किस दिन? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ उस दिन मैं हमारे ग्रुप में हमारे एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करने गया था। करण क्या हुआ था वहां पे? I need a glass of water. मजा आ गया। घंटा मीटू हॉलीवुड में तो बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, अब जब बॉलीवुड में कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये सब दिखावा है, यहाँ पे यही चलता है, यहाँ पे सिर्फ गिव एंड टेक चलता है। What crap यार, लड़कियाँ क्या ग्रोसरी स्टोर का सामान है जो रोल देके खरीद लो? This is sexual harassment you're talking about. इसको sexual harassment कहते हैं by the way. करण जो बाहर से दिखता है ना वो होता नहीं है, ये इंडस्ट्री एक करेले की तरह है, बाहर से कड़क और अंदर से कड़वी। अभी तक 2 म्यूजिक वीडियो और 3 फिल्में कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे यहाँ पे कैसे काम मिलता। अच्छा, तो तुम्हें अरे पता है? चिल ना यार। अरे क्या बकवास कर रही है वो? अरे वेट ना यार, करण तूने हमें यहाँ शॉर्ट नोटिस पे इसलिए बुलाया ताकि हम हॉलीवुड के आंदोलन को डिस्कस करें। Exactly. अच्छा चल ठीक है बाबा, ओके। मेरा अवंतिका का ब्रेकअप हो गया।
That means I can take her on a date. Wow. Shahid, you're such a dumbo you are. Oh, 1 minute. तुम दोनों कहीं? OMG, you guys are getting married? मैरिज कुछ नहीं यार, अभी तक सिर्फ एंगेजमेंट की बात हुई है, ठीक है, वो भी 2 महीने बाद. Congrats, bro. Thank you. I mean, इतनी बड़ी न्यूज़ और इतनी कम टाइम में, करण, I'm really happy for you. Really happy for you. चल. जल्दी नहीं होगी तो क्या होगा? भाई इतने टाइम से परेशान था कि शर्मा इंजीनियरिंग की इकलौती औलाद को कोई और रखना ले जाए, इसे इसने उठा दिया. नाम लिया, फोन आ गया. चलो बीवी सब, अरे बीवी नहीं, होने वाली बीवी. हाय बेबी. हाय बाबू. टेल मी, यू मिसिंग मी? ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग यू. अभी सबको बता रहा था कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है. हाउ स्वीट. अच्छा सुनो, आफ्टर योर पार्टी ना, डोंट फॉरगेट टू कम होम एंड मीट मॉम, ओके? ऑफ कोर्स, लेकिन आफ्टर पार्टी में तुम्हें मिलने आऊंगा, मॉम को क्यों? दफा, इट्स मॉम्स बर्थडे. शाम 12 बजे पहुंच जाना, भूलना मत. नहीं भूलूंगा बेबी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ. ये शायद भी ना, पागल हो गया. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी एंगेजमेंट होने वाली है. क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, बस एक बार हाँ तो करो. सना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? प्रॉब्लम क्या है मुझ में? ऑलमोस्ट परफेक्ट फिगर है. थोड़ा सा बेली फैट था, वो भी अब कम कर दिया. कि तुम जाओ अपने अमृतिका के पास, लेकिन याद रखना, जब हर चौराहे पे मेरे बड़े बड़े बैनर्स लगेंगे ना, यू विल रिग्रेट दिस करण. ये देख रहे हैं यार, इसका दिमाग खराब हो गया. क्या बकवास करके जा रही है? तू छोड़ ना करण, ड्रग्स में माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है. ड्रग्स? हाँ ड्रग्स. आजकल वैसे भी वो तनेजा के साथ रहती है. तनेजा कौन है? प्रोड्यूसर. वो अभी जेल से बाहर आए, ड्रग्स के चक्कर में अंदर गया हुआ था. सना ने उसकी 2 मूवियां साइन की हैं. इनफैक्ट सना के लिए एक ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी हर रोज आती है पिक एंड ड्रॉप करने के लिए. ओह गॉड, करण, आई फील सो बैड फॉर हर. मुझे बस इसी बात का डर है कि इस लड़की का हाल भी ना उन वॉनबी एक्ट्रेसेस की तरह ना हो जाए. कुछ नहीं, कुछ सब कुछ ड्रामा है ये सब यार. ये हमेशा ये हर पार्टी बिगाड़ के जाती है. खैर छोड़ ना, एक काम करते हैं, 2-2 पैक और मारते हैं. चल चल यार. ओ शिट, अवंतिका के मॉम का बर्थडे है यार. मैं भूल गया यार, आई हैव टू गो. यू गाइस कैरी ऑन, हैव फन. सॉरी यार. तुम लोग एंजॉय करो. डन. चल. ओह व्हाट अ मैच. या बेबी. या क्या पीऊं, क्या पीऊं. ओके सॉरी, मैं तुम्हें. सना सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया. मुझे तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था. सना, बट तुम अंदर कैसे घुसी? वो डोर मैट के नीचे तुम मेट के लिए चाबी रखते हो ना, तो मैं बस सॉरी बोलने आई हूँ. मैंने जो वहाँ किया ना, मुझे नहीं करना चाहिए था. एंड तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम करो, मेरा कोई हक नहीं बनता. आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस. हो गया तुम्हारा ड्रामा. कह दिया, गो. दरवाजा उधर है, जस्ट गो. एक मिनट. ये प्लीज टी शर्ट पहन के जाओ. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ऐसी चली गई ना तो बाहर के लोग देख लेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे. गॉड, मुझे सब कब बताने वाले थे? हाँ, शादी के बाद. मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था. हमारी एंगेजमेंट में पुलिस बुलाने से अच्छा तो तुम मुझे अपसेट ही कर देते ना करण. वो देखो. पापा ने बात कर ली है, पर इंस्पेक्टर तुमसे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं. अरे बैठिए बैठिए बैठिए, टेंशन की कोई बात नहीं है.
ये फिल्म वाले लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये ना तो खुद का घर बसाते हैं और ना दूसरों का बसने देते हैं जी। और अगर कोई ऑप्शन नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बहुत से केस आए हैं मेरे पास। अच्छा, आप इसको 2-3 साल से जानते हैं ना, तो क्या पहले कभी इसने ऐसी पागलों वाली हरकत की है? जी जानता तो हूँ, और वो थोड़ी साइको तो है, कभी कभी पार्टी में आके बहुत हाई हो जाती थी और हमारे दोस्तों के साथ बदतमीजी करती थी। और आई मीन ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लेवल तक बात। सर ये देखिए, लड़की के हैंडबैग से ये मिला। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या क्या रखती थी? ये मीटू है क्या? क्या है मीटू का मतलब? ओ सही कह रहे थे आप, अब मुझे लग रहा है कि ये लड़की बहुत बड़ी साइको थी। पर आप टेंशन ना लीजिए, ये केस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसे मैं हैंडल कर लूं। आप लोग अपनी सगाई की कोई दूसरी तारीख निकालिए और हमें भी बुलाइए। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, आई होप यू हैव लर्नड योर लेसन। आगे से मुझसे कुछ भी छुपाया ना अगर करण। सना जरूर कोई प्रॉब्लम में थी, ये मैसेज अभी अभी डिलीवर हुआ है, देखो। करण, मैं तुम्हारी सगाई नहीं तोड़ने आई, बहुत प्रॉब्लम में हूं, अज्जी की कसम, प्लीज हेल्प मी। 6th फ्लोर पर बालकनी में तुम्हारा वेट कर रही हूं। व्हाट इज दिस, क्या है ये सब? अब कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़ गई? करण प्लीज स्टॉप इट, प्लीज अपने आप को ब्लेम करना शुरू मत कर देना। सॉरी, एक मिनट, शायद का फोन है। हाँ शायद, बोलो, कैसी है वो? क्रिटिकल है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर ठीक भी हो गई ना तो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। क्या करण, वो तेरा बार बार नाम ले रही थी और ये भी बोल रही थी, करण मीटू, करण मीटू। अवंतिका, आई थिंक सना के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, हमें ये पुलिस को बता देना चाहिए। करण, हैव यू गॉन मैड? अरे पहले मेरा ड्रीम डे स्पॉइल हो चुका है थैंक्स टू हर, और अब तुम साइको की कहानी में और फंसना चाहते हो? हाँ कुछ तो बात होगी। करण प्लीज जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ, हमें अपने एंगेजमेंट के नेक्स्ट डेट के बारे में सोचना है, मॉम डैड से बात करनी है, वी हैव टू क्लियर अप दिस मेस, सब सॉर्ट आउट करना है, प्लीज बाबू। आई गेस हमें उसको उसके हालत पे छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ करण, आर यू लिसनिंग टू मी? करण निष्ठा, शायद होश आया उसको। नहीं करण। सना प्लीज मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की है? सना देखो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनी, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना। करण, उसने आधे घंटे से कुछ भी नहीं कहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सना, यू हैव टू हेल्प मी, ठीक है? अगर तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की है ना, तो सिर्फ तुम अपनी पलके झपकाओ, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है सना? हाँ सना, यू हैव टू हेल्प मी, ठीक है? जस्ट ब्लिंक, ठीक है सना? ओके, एक बार ब्लिंक कर दो, जस्ट ब्लिंक, कम ऑन सना, यू हैव टू हेल्प मी।
एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हैपनिंग? आप लोगों को आईसीयू में किसने अलाउ किया आने से? आप लोग प्लीज बाहर चलिए। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, क्या आप चेक कर सकते हैं कि इनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ है कि नहीं? व्हाट? देखो ये बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही है ना, तो टेस्ट में पता चल जाएगा। व्हाट आर यू सेइंग? करण, बात क्या है? मुझे अवंतिका ज्यादा पसंद नहीं है, बट आई थिंक दिस टाइम शी इज राइट। याद है तुम्हें सना कैसे रेस्टोरेंट में उस दिन मीटू के अगेंस्ट बोल रही थी, और आज वही लड़की मीटू के बारे में बातें कर रही है। आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस। कर हो सकता है उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिससे उसने इस बात में बिलीव करना शुरू कर दिया। करण निष्ठा, एक मिनट। उसने मैसेज में लिखा था आजी की कसम, और मैं जानता हूं कि वो अज्जी की छोटी कसम कभी नहीं खाएगी। किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। प्रोड्यूसर तनेजा आजकल उसी के साथ काम कर रही थी, बहुत शेडी आदमी है। हो सकता है उसने उसको ड्रग्स दिया और ड्रग्स के नशे में कुछ कर दिया। उसके ऑफिस का एड्रेस। करण क्या हो गया तुझे? कुछ टाइम पहले तक तो तू सना की शक्ल नहीं देखना चाहता था, और अब उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। गिल्ट ट्रिप में देखा कितना बेचैन हो रहा है। राइट। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तनेजा मिलेंगे? ऑडिशन बंद है, कल आना। नहीं नहीं, मैं ऑडिशन के लिए नहीं आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे तुमसे तनेजा से मिलना। भाई होंगे तब ना मिलेंगे, कल अपॉइंटमेंट लेके आना। अरे नहीं नहीं, अर्जेंट बात है, प्लीज आप कोई नंबर वंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात। अरे भाई मैं भी लेट हो चुका हूँ, अभी दो मिनट और यहाँ रुक गया ना तो बिरार की फाज छूट जाएगी। चलो चलो। अरे भाई साहब चलिए आइए। अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए बना रही हो या बिगाड़ रही हो? नहीं, फोकस फोकस ऑन द सीन। क्या कहा था मैंने? एक ड्रग एडिक्ट मतलब तुम्हारा पति एक ड्रग एडिक्ट है, तुम्हें उसे वो पिल लेने से रोकना है। राइट? हाँ। यू आर अ वुमन। यस सर। तो क्या करोगी तुम? नहीं नहीं, हाउ डू यू कंट्रोल अ मैन? अपनी जवानी का इस्तेमाल करो,
अपनी अदाओं का इस्तेमाल करो, जो भी करो उसे वो ड्रग खाने से तुम्हें रोकना है। यू अंडरस्टैंड? जी सर, मैं करती हूँ सर, मैं थोड़ा सा शर्मा गई। शर्मा गई तुम? क्या कहा तुमने? सुनिए, तुम हीरोइन बनने के ख्वाब छोड़ दो, ठीक है? नहीं, एक्टर की डिक्शनरी में शर्म नाम का शब्द नहीं होता। और कैसे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टर भी कभी शर्माता है पगली। शर्म जो है ना, एक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा चोपड़ा जी ने कहा था। कौन चोपड़ा? नहीं बाबा, मुद्दे की बात यह है कि कल शाम को मैंने अपने बंगले पे कुछ फाइनेंसर्स को बुलाया, सोचा था तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, पर अब क्या कहूंगा उनसे कि मेरी 100 करोड़ मेगा बजट की फिल्म की लीड हीरोइन शर्माती है। सर, गिव मी अनदर चांस ना सर, मैं पूरी, आई डू माय बेस्ट, आई प्रॉमिस यू सर, लास्ट चांस सर। दिया, मौका दिया, ये लो फिर। और ये रहा हमारी 100 करोड़ की मूवी का सुपर डुपर रिमिक्स। मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे तो तब छोड़ेगा ना जब मैं तुझे छोड़ूंगा। रघु, इसे यहां आने का मतलब बता दो। चल चल चल। देखना रघु, खून ना निकले, सिर्फ हड्डियों में रगड़ देना। नहीं अवंतिका, करण ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझे। एंड हाउ वुड आई नो वेयर द हेल ही हैड गॉन? ही डिडंट इवन टेल मी एनीथिंग। एंड आई एम श्योर उसने निष्ठा को भी नहीं बताया होगा। अरे बाबा, यू डोंट पैनिक। मैं कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तू टेंशन मत ले। क्या टेंशन? सॉरी यार, ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता, मम्मी डैडी है ना। बट करण, तेरी हालत करी किसने? तू सही कह रहा था, तनेजा की वजह से ही सना हॉस्पिटल में गई है। उसके पास पूरा कमरा है जहां पर वो टेप्स बनाते हैं मोलेश करते हुए यंग गर्ल्स को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। एक बार सबूत मिल जाए ना, साले को इतने डंडे पड़वाऊंगा ना पुलिस के, कभी नहीं भूलेगा। यू जस्ट वेट, आई विल गेट द आईज। हां हेलो निष्ठा। हां बोल। करण इज नॉट इन अ गुड स्टेट। हां क्यों, क्या हुआ? अरे लिसन टू मी, नो व्हाट आई एम सेइंग। शाहिद, अरे मेरे को लग रहा है वो तनेजा से लड़के है। हाँ हाँ, वही प्रोड्यूसर तनेजा। यू जस्ट वेट, लेट मी आस्क हिम, आई विल कॉल यू। ओके, बाय 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 बाय। करण, करण, तुम्हें डर नहीं लगा? नीचे देखकर चक्कर नहीं आए?
was going through your head? रेलिंग पे चढ़ते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? तुम रेलिंग पे ऐसी चढ़ी होगी ना, और फिर तूने पैर ऐसे आगे किया हुआ। और फिर तूने जंप कर चले। कल रात से 30 कॉल किए मैंने, मेरा फोन नहीं उठाया। कम से कम अपने मम्मी पापा का फोन या शायद का फोन तो उठा लेते। Do you have a clue how panicked I was? और ये चाल अपना रखी है तुमने? तुमने सोचा है घर वालों को क्या बोलोगे इस सब के बारे में? हाँ, आजी उठिए उठिए। क्या लगा रखा है तुम्हारे? प्लीज पकड़िए उनको। चल उधर चल। आप सलाह की आजी है ना? तुम जानते हो मुझे। करण करण करण, we have to call the cops। नो के मुंह लगने से वो फायदा नहीं है। करण चलो चलो। अरे वंदिका तुम्हें देख नहीं रहा है, खून निकल रहा है यहाँ पे। जाके गाड़ी से फर्स्ट एड किट लेके आओ, जाओ। अरे रुकी क्या हो, जाओ ना। सारा आपके बारे में बहुत बात करती थी, बहुत बताया आपके बारे में मुझे। आजी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, सना के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ है। माहिती है मला, तेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करती थी सुवर्णा। सुवर्णा तिच खरं नाव माहिती नाही तुला? सुवर्ण पाशते। सना का नाम सुवर्ण। बिचारी को कभी खुशी नहीं मिली। 9 साल की थी तब उसके आई पापा मर गए। उसके बाद मैं ही उसकी आई और बाबा। उसका मामा लालची था। संभाल के आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। खर्चा उठाता था ताकि बड़ी होने के बाद उसको बेच सके। सुवर्णा को ये बात मालूम थी, इसीलिए भागकर बंबई आ गई।
यहाँ आने के बाद नाम बदला, बाल कटवाए, खुद की पहचान बनाई उसने। फिल्म में काम करने लगे ताकि मेरी दवा का खर्चा उठा सके। अजी, उसने कभी आपको बताया कि उसे कोई तंग कर रहा है या उसे कोई हर्ट करना चाह रहा है ऐसा? कभी नहीं। हाँ, खाली ये बात करती थी, अजी यहाँ पे ना छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, लोगों के सामने नाचना पड़ता है, बस। हाँ, रात को फोन करके रोती थी, बहुत रोती थी और बताती थी, अच्छी बस हो गया, अब ना मुझे कोई अपनाने वाला अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा परिवार दे, और ये सब सुवर्णा। What are you saying, करण? तू तनेजा को जेल भेजेगा? भाई तेरे को पता है ना, ये तनेजा जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं। They can do anything. I don't care, शायद। I really don't care. कुछ भी हो जाए मैं सना के कल्प्रिट को छोड़ूंगा नहीं। तू उसके बंगलों का एड्रेस पता करना। करण, तू एक बार सोच ले, तू उसके बंगलों में अनइनवाइटेडली कैसे जा सकता है? Don't worry, I have a plan. मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। अरे तू कौन होता है? ये मैं बैंक मैनेजर हूँ, तनेजा ने बुलाया मुझे। ये सब कुछ मैं नहीं जानता, साहब ने कहा है किसी को भी अंदर नहीं आने देने का। देख, मैं जानता हूँ तेरी फिल्मी पार्टी चल रही है, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, फाइनेंसर्स आए हुए हैं, और उसी फिल्म की इंश्योरेंस करने मैं आया हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप आइए। इनसे मिले सर, हमारी फिल्म की हीरोइन। नेक्स्ट सुपरस्टार है सर ये। यू डोंट बिलीव मी सर, बेबी वो पोज बना दे फिल्म मैगजीन वाला। तियारा, प्लीज डोंट स्ट्रगल, प्लीज 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 मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस, प्लीज। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, जस्ट काम डाउन, प्लीज 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 मेरी बात सुनो प्लीज। ओके, इसने मेरे फ्रेंड को भी फंसाया था, उसने कल सुसाइड अटेम्प्ट किया है। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, सब कुछ बता दो। पुलिस? हाँ पुलिस, तुम्हें सिर्फ तनिजा की सच्चाई बतानी है, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रघु भैया देखो ना ये फिर से घुसाया। तियारा मेरी बात सुनो, मुझे पुलिस के पास ले जा रहा है। तुम बगल वाले कमरे में जाओ। तियारा मेरी बात सुनो।
कहां से मिलेगा सबूत? जब तक मैं नहीं दूंगा तू देगा सबूत? 128 GB का मेमोरी कार्ड फुल भरा है सबूतों से। तेरे पास कैसे है? फोन रखा, रिकॉर्डिंग ऑन। तू तो सारे उसके लिए काम करता है ना। लेकिन भाई हर इंसान को एक मौका चाहिए जिंदगी में ऊपर जाने के लिए। रघु मुझे तू वो फोटोज और वो वीडियोस दे दे। मैं हाँ तू ले लेना, मैं क्या करूंगा इस वीडियो का, बस 3 लाख दे देना। अरे भाई तू बड़ी पार्टी लगता है, इतना क्यों सोचता है? ठीक है तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें वो वीडियो हो जो मुझे चाहिए। भाई टेंशन मत ले, जब भी कोई आइटम अंदर गई है मैंने पूरी ईमानदारी से पूरी रिकॉर्डिंग की है, बाप कसम। देख देख इसमें तेरी आइटम बहुत, देख देख ये है भाई, ये वीडियो दिखा, ये देख ये। क्या अच्छे वक्त पे आई, मूड बना रहा था। आपके मूड के लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।